एबीएन न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हम पहुंचे हैं भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व प्रधान श्रीमती सरोज गुप्ता जी के पास, उनसे कुछ बातें करेंगे। आइए मिलते हैं सरोज जी गुप्ता जी। नमस्कार मैम। जो कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश की सरकार और पंजाब सरकार ने लॉकडाउन किया है, उससे क्या फायदे? ये लॉकडाउन, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये फैसला लॉकडाउन ना लेते तो भारत में भी ये महामारी दूसरे विदेशों की तरह, जैसे इटली और अमेरिका में जो बुरा हाल हो रहा है, वही यहाँ भारत में होता। उन्होंने जो भी फैसला लिया है सही लिया है। ये लॉकडाउन और पंजाब सरकार की तरफ से जो कर्फ्यू लिया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूँ। कोरोना जैसी बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खोलने के आदेश दिए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उन्होंने जो मिडिल क्लास को सामने रख के, मिडिल क्लास जो फैमिलीज है उनको सामने रख के ये लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया है। अगर दुकानदार और आम नागरिक इसका सख्ती से, जिस प्रकार सरकार ने हिदायतें दी हैं, उनका पालन करेंगे तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो सख्ती से दुकानदार और नागरिक पालन नहीं करते फिर शायद इसका विरोध हो। कोरोना जैसी महामारी जब भी खत्म होगी, दो दिन, दस दिन, महीने के बाद, तो इतने दिन बंद रहने के कारण सरकार और लोगों को हजारों करोड़ रुपए नुकसान हो गया है। इतने दिन बंद रहने के बाद जब ये बाजार खुलेंगे तो इस मंदी से लोग या सरकार कैसे निपट पाएगी? हम मानते हैं कि मिडिल क्लास को इसकी समस्या का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। अगर ये अर्थव्यवस्था हम सही करना चाहते हैं तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ऑनलाइन सामान ना खरीद कर जनता अपने नजदीकी बाजारों से, दुकानदारों से सामान ले, तो धीरे धीरे शायद यह अर्थव्यवस्था सही हो जाए। जी मैम, आप अपनी तरफ से लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मैम हाँ जी सर, मैं फाजिल्का वासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जैसे सोशल डिस्टेंस बना के अपने आप को घरों में सेफ रखा है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वो आगे भी ऐसे ही डिस्टेंस बनाए, मुंह पर मास्क लगा के रखें, तो कोरोना 100% हारेगा और पंजाब जीतेगा। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।